गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिमानी शर्मा एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल एंड वी आर आई लेफ्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. हु इज दैट? वह कौन है? माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम. मेरे सरकार, यह दीवार जो है वो मेरे पिता के समय पर बनवाई गई थी. आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ. ही इज एन ओल्ड नाउ, और वह अब बूढ़ा हो चुका है. ही लिव्स नियर बाई, वह मेरे आसपास ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. देखिए, राजा ने अपने जो नौकर थे उनको भेजा. कहाँ भेजा? संदेशवाहकों को, उस ब्रिकलेयर को बुलाने के लिए. ब्रिकलेयर यानी कि जो राजमिस्त्री होता है उसको बुलाने के लिए, जिसने दीवार बनाई थी तो उसको बुलाने के लिए उन्होंने, राजा ने भेजा. ठीक है, दे ब्रॉट हिम, और वे उसे ले आए. ठीक है, टाइड हैंड एंड फुट, हाथ और पैर बांध करके. यू देयर डिड यू बिल्ट दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम. तुम वहाँ थे जब उस, क्या तुमने, देखिए, जो इसके पिता की जब दीवार बनाई थी तुमने, है ना, पिता के समय पर, तो तुम वहां थे. यह दीवार तुमने ही बनाई थी? यस माय लॉर्ड आई डिड. हाँ मेरे सरकार, मैंने ही किया था. व्हाट काइंड ऑफ, मैंने ही बनाई थी, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दैट दिस दैट यू बिल्ट. किस तरह की दीवार तुमने वह बनाई थी? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम. यह एक गरीब व्यक्ति पर, यानी कि बेचारे व्यक्ति पर गिर पड़ी और वह मर गया. यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है. ठीक है, तुम कातिल हो उसके, यानी कि तुमने उसे मारा है. वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हमें अब आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, देखिए, इससे पहले कि राजा कोई क्या देता, आदेश दे, पालन करने को कहता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड. देखिए, तो गरीब जो राजमिस्त्री था उसने प्रार्थना की कि प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, पहले आप मुझे सुनिए अपने आदेश देने से पहले. इट इज़ टू आई बिल्ट दिस वॉल, यह सच है कि मैंने यह दीवार बनाई. एंड इट वॉज नॉट नो गुड, और यह सही अच्छी नहीं थी. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, यह इसलिए था क्योंकि मेरा दिमाग स्थिर नहीं था. आई रिमेम्बर, उस जगह पर, मतलब दीवार पर नहीं था काम करने में. आई रिमेम्बर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग. मुझे याद है बहुत अच्छे से कि एक जो नृत्य की होती है, नृत्य करने वाली लड़की, वो वहाँ से ऊपर से नीचे, यानी कि इधर से उधर जा रही थी अपनी पायलों की छनकार करती हुई पूरे दिन. एंड आई कुड नॉट कीप माई आइस और माई माइंड ऑन द वॉल, और इस वजह से मैं अपनी आँखें, अपनी नज़र और दिमाग जो है उस दीवार पर नहीं लगा पाया. आई वॉज बिल्डिंग, जब मैंने उस दीवार को मैं बना रहा था. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको जो है उस नृत्य की जो है उसको लाना चाहिए. आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है. यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो. द केस डीपन्स, अब देखिए केस जो है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा अब गंभीर है मामला, बहुत गंभीर हो गया. वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें देखिए अब क्या करना पड़ेगा, इस पर विचार करना होगा. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये बहुत आसान नहीं है अब इस पर न्याय करना, ये बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ अब केस है. लेट्स गेट द डांसर, चलिए अब हमें डांसर लानी चाहिए. वेयर एवर सी इज, वह कहाँ है? द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वूमेन, जो डांसिंग गर्ल है अब वो क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है अब. ठीक है, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, और वह देखिए अब हिलती हुई, यानी कि कहाँ जाती है, उस राज्य में आ जाती है. ठीक है, कांपती हुई, ट्रेम्बलिंग यानी कि. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, देखिए कई साल पहले क्या आपने इधर से उधर गली में गई थी आप, घूम रही थी. वाइल
दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब यह आदमी जो है गरीब आदमी क्या बना रहा था, दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या आपने इसे देखा था? यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे सरकार। आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तो इसलिए तुम इधर से उधर गली में गई थी छमछम करती हुई अपनी पायलों की आवाज़ से, और तुम यू वर यंग, तुम युवा थी, और क्या थी, तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया था, है ना, आकर्षित किया था। तो सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इस वजह से देखिए इसने कैसी दीवार बनाई, बुरी दीवार। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और यह देखिए एक बेचारे जो गरीब लड़का था उसके ऊपर गिर गई और वह मर गया, है ना। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक ईमानदार व्यक्ति को, वो सॉरी इनोसेंट, तुमने एक देखिए निर्दोष व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। सी थॉट फॉर अ मिनट, वह देखिए एक मिनट के लिए तो विचार करती है। एंड सैड, और कहा, माय लॉर्ड, मेरे सरकार, वेट, इंतजार करिए, रुकिए, सॉरी इंतजार नहीं करिए, रुकिए। आई नो नाउ व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद है, मैं जानती हूँ कि मैं अब वहाँ पर, देखिए क्यों मैं इधर से उधर जा रही थी गली में। I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने देखिए एक सुनार को जो है अपनी ज्वेलरी बनने के लिए दी थी, ठीक है। He was lazy scoundrel, और वह बहुत ही ज़्यादा कैसा था, आलसी था, है ना, और वह टालता था, घोटाले वाला, यानी कि ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, वह बहुत सारे देखिए बहाने बनाता था। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कि वह कहता था कि अब दूंगा कि तब दूंगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और इसलिए मुझे वहाँ पर डेली जाना पड़ता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डोजन टाइम्स, इसलिए देखिए मुझे एक दिन में कई दर्जनों बार उसके घर में जाना पड़ता था, है ना। दैट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सो मी, उस समय देखिए इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं थी। माई लॉर्ड, मेरे सरकार, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, यह देखिए निश्चित ही देखिए किसकी गलती है, उस सुनार की। पुअर थिंक, सी इज एब्सोल्युटली राइट, बेचारी महिला वह बिल्कुल ठीक कह रही है। वेइंग द एविडेंस, राजा ने देखिए अब वेइंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट एट लीस्ट, देखिए राजा ने सबूतों को मापने का क्या कर लिया, विचार कर लिया, आखिरकार उसे क्या मिल गया, हमें असली, आखिरकार हमें असली जो गुनहगार है वह मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हिडिंग एट वंस, जाओ उस गोल्ड सुनार को पकड़ के लाओ जहाँ भी वह इस समय छिप रहा है, ठीक है। द किंग्स बेलिफ सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, अब देखिए जो राजा के दूत थे, वो राजा के कानून जो अधिकारियों ने सुनार को क्या कर लिया, अब ढूंढ लिया। हु वॉज हिडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो छिप रहा था अपनी दीवार के वो दुकान के एक कॉर्नर में। वैन ही हर्ड द अकेशन अगेंस्ट हिम, जब देखिए उसने सुना था कि अब मेरे विपरीत क्या होगी, अब मुझे क्या दी जाएगा, दंड दिया जाएगा, अब मेरे खिलाफ क्या होगी, अब कार्रवाई होगी। तो आरोपों की वजह से उसने जो अपने खिलाफ जो आरोप आए सुने। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, अब उसके पास अपनी एक कहानी बताने के लिए थी। माई लॉर्ड, मेरे सरकार, ही सैड, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्ड मिस, मैं क्या हूँ, बहुत गरीब, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, यह सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मैंने
कई बार इस नर्तकी को अपने दरवाजे पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर। मैंने बहुत सारे बहाने बनाए क्योंकि मैं इसकी जो आभूषण थे वो पहले नहीं बना सकता था। आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर क्योंकि मुझे पहले मैंने फिनिश किया था जो अमीर क्या था मर्चेंट जो था उसका ऑर्डर मुझे जो मिला था वो मैंने क्या किया था पूरा किया था। इस वजह से मैं बहाने बनाता था। ठीक है मर्चेंट यानी कि शाहूकार। ठीक है दे हैड अ वेडिंग कमिंग क्योंकि उनकी यहाँ देखिए शादी आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वेट और वे इंतजार नहीं करेंगे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आप जानते हैं कि कितने देखिए इम्पेशेंट होते हैं यानी कि धैर्य नहीं होता उनके अंदर वह इंतजार नहीं कर सकते जो अमीर आदमी होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु कैप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। यह देखिए कौन है यह अमीर साहूकार कौन है जिसने तुम्हें इस गरीब महिला के गहने जो हैं बनाने से रोका था। मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर और जिस कारण देखिए क्या बना था कि जो राजमिस्त्री था वो क्या हो गया आकर्षित हो गया जब ये महिला जो है इधर उधर जा रही थी। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल इस वजह से क्या हो गया दीवार क्या हो गई बेकार हो गई। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम इस और जो देखिए गिर पड़ी थी एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर और वह मर गया। कैन यू नेम हिम क्या तुम उसका नाम बता सकते हो।